फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बजट की रसोई में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक खास रेसिपी लेकर आई हूँ। कटोरी में बनाओ, कटोरी में खाओ, उसे आपने बहुत प्यार दिया, तो इस तरह से ही कुछ अलग चटपटा सॉफ्ट मुलायम नाश्ता फिर से आप लोगों के लिए लाई हूँ, और उसी के साथ एक चटपटी सी टेस्टी स्पाइसी चटनी की रेसिपी भी शेयर की है। तो पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिए। रेसिपी शुरू करते हैं, पर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर हमने 125 ग्राम सूजी ली है। सूजी मोटी पतली आपके पास जो भी है आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा खट्टा दही हमने 2 चम्मच लिया हुआ है, और थोड़ा सा पानी, लगभग 3 चम्मच पानी हमने इसमें ऐड किया। पानी कम ज़्यादा जैसे लगे उसी हिसाब से ऐड करने ला। और यहाँ पर मुझे थोड़ा थीक लग रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड किया हुआ है। फिर 2 मिनट के लिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। चलाते समय एक बात ध्यान रखें कि एक ही डायरेक्शन में इसे चलाना है, और उसके बाद हमें इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारी सूजी फूल रही है हम कुछ चीज़ों की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हुए हैं, 1/2 गाजर, 2 हरी मिर्च, लहसुन, आलू, और साथ में ही 1 प्याज। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और 2 चम्मच मटर, जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हो इसमें ऐड करें। एक गलती मुझसे हो गई कि यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आपको जब ऐड करना है जब आप स्टफिंग भरना हो। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया हुआ है। हमें इन सब्जियों को फाइन पेस्ट नहीं करना, हल्का दरबरा ही रखना है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, जीरा, चना दाल, उड़द दाल डालकर सौटे करेंगे। उसके बाद 1 प्याज बीच में से कट करके 2 भाग में इसे इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सूखी हुई नारियल थी उसे डाला, और 3 लाल मिर्च। आप यहाँ ताजी नारियल का भी इस तरह से बना सकते हैं। और हाँ, अगर कोई सामग्री इसमें से नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, ठंडा होने देंगे। यहाँ पर दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, 1 गिलास पानी डाला है, और जिस बर्तन को हमें इसमें स्टीम करना है उसे नापना है। बहुत ज़्यादा हमें भरना नहीं है, थोड़ा सा पेनी में लगे इतना ही हमें इसे में पानी डालना है और ढककर रख देना है। उसके बाद हमें कुछ तैयारियां और भी करनी है। यहाँ पर देख रहे होंगे तो 3 कटोरी ली है। तीनों कटोरियों को हमें अच्छे से यहाँ पर तेल से ग्रीस करना है, जिससे कि आसानी से जो हम बना रहे हैं रेसिपी सूजी की वो निकल जाए। तो यहाँ पर 3 कटोरियों को मैंने ग्रीस कर लिया है, और चटनी के लिए जो सामग्री हमने बनाई थी वो भी ठंडी हो गई। यहाँ पर देख रहे होंगे तो बहुत लाल हो गया है। तो ये गलती आप ना करें। कढ़ाई जब भी चटनी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी मोटी लें, पतली थी इसलिए थोड़ा सा लाल ज़्यादा हो गया। ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना भूल गई, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और फेसबुक पर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो ये देखिए हमारी चटनी में नमक डालकर हमने एक बार ग्राइंड कर लिया है। सूजी भी बहुत अच्छे से फूल गई है। मुझे थोड़ी सी ये थिक लग रही थी तो इसमें मैंने पानी डालकर फिर से थोड़ा सा मिलाया, और एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाना है। तो यहाँ पर अभी भी मुझे थोड़ा थिक लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने यहाँ पर 2 बार में पानी ऐड किया हुआ है। लगभग 1 कप हमें यहाँ पानी ऐड करना है, और उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाना है। अब इसमें एक चीज़ डालनी है, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी और चीज़ें डालनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो शुरू में मैंने नमक नहीं डाला था, तो हमें यहाँ पर 1 चम्मच तेल और नमक को ऐड करना है। नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करें, आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फिर से मिला देना है 2 मिनट, और उसके बाद हमें इसमें
पैकेट इनो का डालना है। तो यहाँ पर हमने आधा पैकेट इनो डाला, उसके बाद थोड़ा सा एक चम्मच पानी डालकर इसे एक्टिव किया इनो को, और उसके बाद हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, बहुत तेज़ी से नहीं, हल्का हल्का चलाना है आधा मिनट के लिए, जिससे कि अच्छा सा हमारा बैटर फूल जाए। और उसके बाद हमने जो कटोरी ग्रीस करके तेल रखी है उसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो आप देख रहे होंगे बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं, इस तरह का रखना है। तो यहाँ पर तीनों कटोरियों में हमें अच्छे से बैटर को एक बार एक एक पलटा, जितना आपकी कौछिल है उतना ही इसमें डाल देना है। और हमने जो सब्जियाँ ग्राइंड करके रखी थी, इसमें आप अब और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, मैगी मसाला जो आपको पसंद हो। तो इस तरह से एक एक चम्मच यहाँ पर हम स्टफिंग भर देंगे। कई बार होता ना चटपटा खाने के लिए, पर हम बना नहीं पाते हैं, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। या आपके पास इडली का सांचा नहीं है तो इन कटोरियों में भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्टफिंग भरी, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ बैटर था उसे हमने फिर से ऊपर डाल दिया, और हमारा पानी जो स्टीम हो रहा था एक एक करके हमें रखना है, और ध्यान देना है कि पानी कटोरियों से ज़्यादा ना हो, नहीं तो कटोरियों में पानी जब स्टीम होगा तो आ जाएगा। अब गैस की फ्लेम को हमें थोड़ी सी हाई कर देना है, 10 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है, 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमें रख देना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया है, धनिया थोड़ा सा एक में कम डाला है क्योंकि मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, तो इसे स्टीम करने के लिए अब छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए, इस तरह से चेक करेंगे, अगर चाकू एकदम क्लीन आ रही है तो समझ जाइए कि आपका ये अच्छे से पक चुका है, स्टीम हो चुका है। तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे उतार कर ठंडा कर लेना है। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया, 15 मिनट के लिए रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद हमें चाकू से इस तरह से सारी कटोरियों में घुमा देना है, जिससे कि आसानी से हमारा ये जो बनाया हुआ है इडली विथ स्टफिंग वो निकल जाए। तो यहाँ पर हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए, वाव वाव की फीलिंग आती है जब आपका कोई रेसिपी बहुत ही अच्छे से बन जाती है। तो मुझे भी पहली बार मैंने इस तरह से ट्राई किया था, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी थी। तो आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आने वाला है आपके घर वालों को। और ये देखिए मैंने पहाड़ बना दिया, तो इसे मैं दिखाती हूँ कि ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट मुलायम बना हुआ है। तो आप कब बना रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और अब मैं इसे कट करके भी दिखाती हूँ। इसमें जो स्टफिंग भरी थी सब्जियों की बहुत अच्छे से पक चुकी है, और यहाँ पर बहुत ही जालीदार ये नाश्ता तैयार हुआ है। तो मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, चल रही हूँ अपना ये नाश्ता करने। आप फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। फेसबुक पर अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी में।